आजाद, स्वागत करती हूं आपका केकेआर न्यूज में। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कांग्रेस और वामपंथी पर बड़ा आरोप। राम मंदिर निर्माण के लिए चल रहे धन संग्रह को लेकर विश्वास सारंग ने लगाया बड़ा आरोप। अवैध चंदा वसूली करते मिले युवक को लेकर बोले सारंग, ये कांग्रेस की साजिश है। धन संग्रह को बदनाम करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस और वामपंथी। कांग्रेस के कार्यकर्ता चंदे की फर्जी राशि छपवा कर रहे हैं अवैध वसूली। कांग्रेस को महंगाई पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। 15 महीने की सरकार ने जितना पेट्रोल पर टैक्स लगाया है उतना कभी नहीं लगा। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को खत्म करने का प्रयास किया। बीजेपी सरकार ने केंद्र और राज्य में जनता की सेवा की है। केंद्रीय बजट जो आया है वह विकासशील और आत्मनिर्भर भारत बनाने वाला बजट है। बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं किया। जो योजना बीजेपी सरकार ने लागू की थी वही जो योजना को कमलनाथ सरकार द्वारा बंद कर दी गई। किसान इस देश से पिछड़ा है तो वह केवल कांग्रेस है। किसान संशोधन बिल के किसानों को उलझाने का काम किया है। इस बिल से किसानों को अधिकार मिलता है, वह अपनी फसल का दाम निर्धारित कर सकेंगे। भोपाल से सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। देखिए, इस तरह के जो लोग फर्जी तरीके से रसीद छपवाकर अनर्गल कार्य कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का षड्यंत्र है। वो इस पूरे अभियान को बदनाम करने में लगी है। कांग्रेस के नेता आप देखें, हर दिन दो दिन में कुछ ना कुछ बयान देकर राम मंदिर बनाने में रोड़ा अटकाना चाहते हैं। चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हों, शशि थरूर जी हों, चिदम्बरम जी हों या कांतिलाल भूरिया जी जैसे नेता हों, वो लगातार राम मंदिर निर्माण के जन जागरण को रोकना चाहते हैं और इसीलिए वो इस तरह की हरकतें भी कर रहे हैं जिससे कि ये पूरा अभियान बदनाम हो। परंतु संपूर्ण हिंदू आज कृत संकल्पित है, दृढ़ संकल्पित है कि अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बने। कांग्रेस और वाम दल के नेता कितना भी षड्यंत्र करें, राम मंदिर बनेगा, भव्य राम मंदिर बनेगा और हम सब अपने जीवन को उस लक्ष्य की ओर लेके जाएंगे जिसमें हमारा संकल्प था कि अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बने और उसमें हम भी कुछ कार सेवा कर सकें। तो इस तरीके से अवैध वसूली का मामला सामने आया है, तो क्या बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को अब ये बोलेगी कि चयनित करें और देखें कौन इस टाइप से कर रहा है? देखिए, एक बात मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ, राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने के जन जागरण का अभियान ये कोई भारतीय जनता पार्टी का अभियान नहीं है, ये तो हिंदुओं का अभियान है। जो भी हिंदू जिस भी स्तर पर है, जिस भी विचारधारा में है, वो सब चाहते हैं कि राम का मंदिर अयोध्या में बने और इसलिए ये हिंदू समाज द्वारा चलाया गया अभियान है। इसमें यदि कांग्रेस और वाम दल के नेता इसको बदनाम करने की कोशिश करेंगे और इस तरह अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से स्वयं रसीदें कटवा कटवा कर पैसे वसूलेंगे, ये सीधा सीधा मेरा आरोप है कि ये कांग्रेस का ही कार्य है और इस तरह से इस पूरे अभियान को बदनाम करने की साजिश है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।